अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो, हमारे चार ब्लॉग्स। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी फलक का रूटीन शेयर करने के लिए, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फलक का रूटीन शेयर करूंगी। तो फलक का दिन स्टार्ट होता है फजर से। फजर की नमाज़ पढ़ के फलक दोबारा से सो जाती है, क्योंकि आजकल है ना समर वैकेशन चल रही है दुबई में, तो फिर छुट्टियां ही बस ऐसी होती हैं जहां बच्चों को सोने मिलता है। अदरवाइज़ एक दफ़ा स्कूल चालू हो जाए तो सुबह 6 बजे से जो उठ जाते हैं बच्चे, तो फिर रात में ही डायरेक्ट सोने मिलता है। तो इसलिए मैं भी नहीं उठाती हूँ कि चलो समर वैकेशन है, नमाज़ पढ़ के सो गई तो ठीक है। तो अब जो है ना 10 बज रहा है करीब, और हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस, तो मैं तो सुबह से ही उठ जाती हूँ, नाश्ता वगैरह दे के हस्बैंड को अलविदा कर देती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर आती हूँ। फलक को ना मैं एक बार पहले भी उठा के जाती हूँ जब मैं हस्बैंड का नाश्ता बनाने जाती हूँ, लेकिन एक बार में वो उठती नहीं है। उसको जब तक 3-4 बार ना उठाओ ना, फिर वो उठेगी नहीं। 3-4 बार आवाज़ लगाएंगे, फिर एक बार जब मैं ज़ोर से डांटती हूँ ना, तब जाके फलक जल्दी से उठेगी। तो फिर उसके बाद अपना कर्टन वगैरह सही करने के बाद वही जो सबका रूटीन रहता है मॉर्निंग का, कि ब्रश करना, वॉशरूम जाके फ़्रेश होना, वही रहता है। तो बस यहाँ पर फलक ब्रश कर रही है, और ये बड़ी अच्छी आदत है फलक की कि उठते ही सीधे ब्रश करती है, वरना अफ़ान को जो है ना मॉर्निंग सिकनेस है, उठते ही वो ब्रश नहीं कर सकता है। लेकिन फलक जो है वो ब्रश वगैरह करके तो अब यहाँ पे आ गई है, अपना ब्लैंकेट वगैरह खुद ही फोल्ड करती है, क्योंकि ये आदत बच्चों को होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्लैंकेट जो है वो फैला के चले गए, अम्मा आके समेटेंगी। तो बस यहाँ पे अब फलक आ गई है नीचे, और इस टाइम पे जो है ना मेरी कुरान क्लास चल रही होती है, तो मैंने फलक से कहा कि तुम जो है अपना भी नाश्ता कर लेना और आरिस को भी नाश्ता करा दो, क्योंकि मैं सुबह में ही ना सबकी चाय बना के कवर करके रख देती हूँ किचन प्लेटफॉर्म पे, तो बस माइक्रोवेव में गर्म करना होता है, और ये लोग तो चाय ब्रेड खाते हैं, तो अगर अंडा खाना है कभी तो हाफ फ्राई कर लेते हैं, वैसे इन लोग चाय ब्रेड ही प्रेफर करते हैं। तो मैं जो है ना इस टाइम कुरान क्लास कर रही थी, और मैंने फलक से कहा था कि तुम खुद ही शूटिंग कर लेना। तो ये जो आप पूरी क्लिप्स देख रहे हैं नाश्ता बनाने की जो है ना, ये फलक ने खुद ही कैमरा सेट करके ट्राईपॉड पे और ख़ुद ही शूट करी है। तो मैं देख रही थी कि बड़ा अच्छा इसने करी है शूटिंग। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना आरिस का नाश्ता रेडी हो गया है, चाय ब्रेड। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आरिस को खुद से खाने की आदत डलवा रहे हैं, तो मैंने उससे कहा था फलक से कि नाश्ता करवाना मत उसको अपने हाथ से, वो खुद ही करेगा, बस तुम उसको चाय गर्म करके ब्रेड टोस्ट करके मक्खन लगा के दे देना। तो यहाँ पर फलक ने अपना भी नाश्ता कर ली है और आरिस को भी नाश्ता करा दी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद है ना इन लोग नीचे टाइम पास करते हैं, सब हाहा ही हु हू लगा रहता है। उसके बाद फिर से मैं आवाज़ लगाती हूँ, मतलब कई दफ़ा मैं बोलती हूँ अब चलो जाओ नहा लो फ्रेश हो जाओ, नहा लो फ्रेश हो जाओ। तो बहुत बार बोलने के बाद कोई सूरत से तब ये लोग ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे फलक अपना कपड़ा खुद ही सिलेक्ट कर लेती है कि क्या पहनना है उसको, उसको पता है घर वाला कौन सा कपड़ा है। तो बस अब वो फ्रेश होके आ गई है नहा के, और उसके बाद जो है ना जो भी कपड़ा उसने रात में नाइट सूट वगैरह पहनी है उसको जो है वो लॉन्ड्री वाले बास्केट में डाल देती है, और उसके बाद वो जाती है अपना पूरा रेडी होने के लिए। तो मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एक ही बेटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल तैयार होकर रहे। तो मैं हरदम उससे बोलती हूँ फलक मैचिंग पहनो, और जो है हाथ में भी मैचिंग पहनो और मैचिंग रबर बैंड लगाओ। तो उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर उसको बोलती हूँ। तो अगर उसकी मर्ज़ी होती है तो कभी कभार सुन भी लेती है मूड में होती है। तो यहाँ पर जो है वो पूरा रेडी हो गई है। तो फ्रेश होने के बाद जो है अब यहाँ पे फलक की स्टार्ट होने वाली है कुरान क्लास। तो फलक आ गई है, और अब ये जो स्टडी टेबल है ना ये ज़ईम ने खाली कर दिया है, और जब वो उसका 12th था तो ये यहाँ पे स्टडी टेबल पे उसी का कब्ज़ा रहता था। तो मैंने उससे बोली ज़ईम से कि अब ये टेबल जो है वो तुम फलक के हवाले कर दो। तो अब फलक यहाँ बैठ के अपना जो है स्टडी वगैरह करती है, तो आधे घंटे की अभी कुरान क्लास है उसकी, तो वो अभी ये करेगी। और जब गर्मी की छुट्टियाँ हैं ना तो मैंने इसकी कुरान क्लास का टाइम सुबह में कर दी हूँ, अदरवाइज़ जब स्कूल रहता है तो वो रात में करती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना लंच का टाइम हो गया है, तो खाना वगैरह बनाने के लिए मैं आ जाती हूँ किचन में, और ये तीनों लोग को जो है मैं नीचे लिविंग रूम में पज़ल देके बैठा देती हूँ। और ये पज़ल जो है ना ये इतनी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को बिज़ी रखने के लिए। ये सारे पज़ल्स तो आरिस के एज के अकॉर्डिंग हैं, लेकिन बड़े बच्चों के एज के अकॉर्डिंग भी जो है ना 500 या 700 1000 पीस के पज़ल मिलते हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं बनाने के लिए और काफ़ी टाइम लगता है, तो बच्चे जो है ना उसी में बिज़ी रहते हैं। फर्स्ट
तो आरिस जो है वो बना बना के अब एक्सपर्ट हो गया है, मुझे उसके लिए अब कुछ दूसरा लाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए अपना बना के अब वो कूदम कूद मचाया हुआ है। So hard. वीडियो बना दीजिए। अपन योर लास्ट। नो आई फिनिश्ड कैट। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? या तो इस तरह से इन लोग कभी ये पजल्स बनाते हैं, तो कभी जो है वो क्या क्रॉसवर्ड वाली जो बुक आती है ना जिसमें पजल वगैरह होते हैं वो इन लोग सॉल्व करते हैं। और तब तक जो है मैं अपना यहाँ पे पूरा खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तो आज जो है ना मैंने क्या बनाई हूँ लंच में, बकरीद के बाद जो है मुझे एकदम सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, तो दिन में मैंने सोची कि सब्ज़ी बना देती हूँ और रात में कुछ नॉन वेज बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बनाई हूँ दल सग्गा, मतलब पालक वाली दाल और साग, और उसके साथ आलू मटर की सब्ज़ी और चावल। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने दे के बैठा दी हूँ, सब अपना खाना वगैरह खा लेंगे फटाफट। और आफलक को तो मतलब घंटों लग जाते हैं खाना खाने के लिए, अभी तक वैसे ही है वो। और आरिस भी यहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं उसको खाना खिलाऊँ। कुकीज़ है क्या? कुकीज़ नहीं है, खाने में कुकीज़ रहेगी, कबाब है। तो लंच करने के बाद जो है ना वो हो जाता है जोहर का टाइम। तो यहाँ पे फलक जो है वो जोहर की नमाज़ पढ़ लेती है, और ऐसा नहीं कि एकदम अपने से टाइम पे खड़ी हो जाती है, मैं उसको याद दिला देती हूँ तो वो पढ़ लेती है। और उसके बाद है ना फलक अपना हॉलीडे होमवर्क करने बैठ जाती है स्कूल का। तो जो CBSE करिकुलम का पैटर्न है ना उसमें इन लोग जो है ना भर भर के हॉलीडे होमवर्क देते हैं, और अफ़ान है ना वो ब्रिटिश करिकुलम में, तो उसको इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं है, इतना पढ़ाई का जो है वो लोड नहीं होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना बहुत सारे होमवर्क मिले थे फलक को, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो अभी से वो स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे जो है ना जब सितंबर में स्कूल खुलेगा तब तक जो है फलक का पूरा होमवर्क हो जाएगा, कभी PPT बनाना है कभी कुछ और। और उसके बाद आ जाता है फलक का फेवरेट टाइम जो कि है मी टाइम। ये वो टाइम है जो पेरेंट्स को ज़्यादातर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, एकदम गुस्से में खुन्नस में बैठे रहते हैं पेरेंट्स, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है कि बिना मोबाइल, आईपैड, बिना स्क्रीन टाइम के जो है बच्चे रहते ही नहीं हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के करीब छोड़ देती हूँ कि जाओ देखो, तो कभी जो है ये अपना टिकटॉक वगैरह देखती है। एक टाइम था जब पहले फलक खुद भी टिकटॉक बहुत बनाती थी, लेकिन अब बनाती नहीं है, बस देखती है। और उसके बाद है ना कुछ थोड़ा फ्रेंड्स के साथ या कज़िन्स के साथ जो है वो ऑनलाइन गेम्स खेलेगी, वो जो आजकल चला है ना फालतू का, रोब्लॉक्स वगैरह वही सब। और उसके बाद जो है ना मुझे इन लोगों के हाथ से मोबाइल, आईपैड सब छीनना पड़ता है, और उसके बाद मैं इन लोगों को देती हूँ कोई बुक्स रीड करने के लिए। तो ये वाली बुक जो है ना मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी, और बहुत अच्छी बुक है, इसमें क्लीनलीनेस से रिलेटेड सब कुछ है, तो मतलब हाइजीन वगैरह हर चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए। तो कभी जो है वो इस टाइप की बुक्स रीड करती है, और कभी जो है ना वो कोई स्टोरी बुक्स वगैरह रीड करती है। रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट होती है, इंग्लिश वगैरह भी बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है उससे। और या फिर कभी जो है ना वो बैठ के ये मेहंदी लगाती है। ये नया शौक चढ़ा है फलक को, बकरीद जब से गई है ना तब से वो पेपर पे अपना हाथ का ड्राइंग करके और उसके बाद वो उसमें थोड़ी डिज़ाइन बनाती है। ऐसे देखने में बहुत ही डेंजरस और डरावनी सी लग रही है, लेकिन इसी तरह से जो है ना बच्चे सीखते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपके बच्चे TV, iPad, मोबाइल नहीं देखते हैं? तो मैं सोची कि काश ऐसा हो सकता, लेकिन है ना मेरे बच्चे भी वैसे ही जैसे और सबके बच्चे रहते हैं जिनका इंटरेस्ट ज़्यादातर TV, मोबाइल, iPad में ही रहता है। तो लेकिन इसमें जो है ना मेरी नानी हमेशा ये कहती थी कि बच्चों को मोबाइल बंद करने के लिए अम्माएँ हरदम बोलती हैं, पेरेंट्स बोलते हैं मोबाइल बंद करो, लेकिन उसके बाद उन लोगों को दूसरा ऑप्शन नहीं देते हैं कि तो ठीक है मोबाइल तो बंद है लेकिन अब क्या करना है। तो बच्चों को दूसरा ऑप्शन भी बताना पड़ेगा, मोबाइल बंद है तो अब क्या करना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं फलक को बिज़ी रखने के लिए मैं उसे कहती हूँ कि तुम अपने कबर्ड की क्लीनिंग करो, कभी कहती हूँ कि तुम अपनी क्लोज़ेट की क्लीनिंग करो, कौन कौन से कपड़े अब तुमको नहीं होते हैं, छोटे हो गए हैं, अब तुमको डोनेशन में डालना है तो वो तुम अपने से निकाल के सही करो। तो इस तरह से जो है ना बच्चों को बताना पड़ेगा बिज़ी रखने के लिए। जैसे यहाँ अभी जो है ना मैं कभी कभी बोलती हूँ फलक को कि तुम अपना जो ड्रॉअर है जिसमें तुम क्राफ्ट्स वाला सब रखती हो वो क्लीन करो, तो एक टास्क क्लीनिंग का मैं उसको देती हूँ। खुद ही से अगर इन लोगों को हम अपनी चीज़ें साफ़ करने बोलेंगे ना तो फिर बच्चे जो हैं इतने जल्दी बिगाड़ते भी नहीं हैं वो सारी चीज़, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि अभी ख़राब होगा तो हम ही लोगों को सही करना है। तो इसीलिए जो है ना फलक का रूम ज़्यादातर सब नीट एंड क्लीन ही रहता है।
तो साफ़ सफाई वगैरह करते करते जो है हो जाता है असर का टाइम। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अब आ जाती है फलक किचन में। गर्मी की छुट्टियों में जो है ना फलक का जो रूटीन है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है, उसके पास बहुत टाइम रहता है। लेकिन अगर वही स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम ही इतना लंबा है, 4:30 बजे वो आती है स्कूल से, फिर टाइम ही कहाँ बचा, फिर पढ़ना लिखना रहता है, फिर टाइम नहीं रहता। तो मैं उसे कह रही थी कि तुम कुछ थोड़ा मोड़ा ट्राई करो बनाने के लिए। तो ये देखिए कैसे चढ़ चढ़ के जो है वो ब्रेड पर बेल रही है, यहाँ पर वो बना रही है सिनेमन रोल। एक बार इन लोगों के स्कूल में कुछ हुआ था फंक्शन, तो उसमें बनाना था, तो इसको आता है बनाने के लिए, तो वही कह रही थी कि मैं वही बना के खिला दूंगी। और हमारे घर में तो मीठे के सब शौकीन हैं ही। फोड़ो ये देखिए दूसरी तरफ से दूध डाल रही है। वो कह रही थी उसने टिकटॉक पे देखी थी कि दूध दूसरी तरफ से डालेंगे ना तो दूध गिरता नहीं है बॉक्स में से, तो वाकई जो है ना वो वर्क किया। अच्छा यहाँ पे जो ब्रेड है ना उसके ऊपर उसने लगा दी है न्यूटेला, और न्यूटेला लगाने के बाद देखिए वही बच्चों वाली हरकत, न्यूटेला को जो है चाट चाट के फिर डाली है उसने सिंक में। फलक को देख के मुझे अपना बचपना याद आ गया। इसी तरह से अगर मैं भी कुछ बनाती थी ना जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा इतना पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे, भले वो चीज़ अच्छी बनी हो चाहे ना बनी हो, लेकिन तारीफ़ों की पुल बन जाती थी मतलब के, और फौरन से 500 रुपये की नोट निकल आती थी। और सेम उसी तरह से जो है ना मेरे हस्बैंड हैं, अगर फलक कुछ भी बनाएगी ना तो इतनी तारीफ़ करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे बेसिकली, जो कि होना भी चाहिए, तभी जाके कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में। वैसे अभी फलक कुछ इतना कुकिंग वगैरह नहीं करती है, ये एक चीज़ है जो वो बना रही है, और कभी चाय बना देती है 1 कप, या कभी मैं रोटी बेलूंगी तो वो सेक देती है। तो अभी छुट्टियां हैं गर्मी की तो उसके पास टाइम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना चीज़ें होती हैं किचन में बनाने वाली, ये नेचुरल होती हैं लड़कियों में। और ऐसा नहीं कि लड़की है तो मैं उसको सिखा रही हूँ, जो ज़ईम है ना मेरा बड़ा बेटा वो भी बहुत सारी चीज़ें बना लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है लड़का लड़की कुछ भी है सब लोगों को आना चाहिए बेसिक चीज़ें। और ये तो खैर शौक़ की बात है, देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट करके उसने बनाया है। और यहाँ पे है ना अफान के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो खुशबू सूंघ के वेट कर रहे हैं। कम ऑन स्टार्ट। अहमद यू टू कैन ईट। नो अजीज एंड यू बोथ, एवरीवन कैन टेक। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में जो आपको म्यूजिक सुनाई दे रही है ना वो आरिस की है, जो इतने सुर में रो रहा है। आरिस का मूड एकदम ख़राब है, उससे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या आपके बच्चे लड़ते नहीं हैं, तो मेरे बच्चों में ना ये आरिस ही ऐसा बच्चा है जो सबसे लड़ता है, किसी से उसकी जमती नहीं है। आरिस वाज पुटिंग हिज यूरो लाइक दैट एंड देन उसके हाथ से टूटा और वो नेट पे लग के टूट गया। फलक पास हो गई तुम। ओके तो आरिस का मूड सही करने के लिए जो है ना अब इन लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल। और ये फ्लोटी जो है इसको फुलाना एक बहुत बड़ा काम है, साइज़ में ये इतनी बड़ी है तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको फुलाने के लिए। तब तक यहाँ पे मैंने आरिस को फ्लोटी पहना के रेडी कर दी हूँ। और फिर फलक जो है वो सबको लेके आ गई है स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल का रूल है कि जब तक कोई एडल्ट नहीं रहेगा साथ में तो 13 इयर्स के नीचे के बच्चों को अकेले स्विमिंग पूल में जाने नहीं देते हैं। तो अब फलक 14 इयर्स की हो गई है, तो फलक जो है वो लेके आरिस को आराम से चली जाती है, क्योंकि मैं अगर जाऊंगी तो मुझे यहाँ बाहर बैठना पड़ेगा और गर्मी से जो है वो मेरा बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है। जो पानी में रहता है ना उसको तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जो पानी के बाहर रहता है वेट कर रहा होता है उसका जो है ना गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए गर्मी से जो है एक बिल्ली भी इतना ज़्यादा परेशान हो गई है कि वो आई है पानी पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए आजकल एवरी ऑल्टरनेट डेज आरिस आ रहा है ना स्विमिंग के लिए, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना सीख गया है, अगर रोज़ लाएंगे तो जल्दी सीख जाएगा।
और यहाँ पे है ना फलक अफ़ान, इन लोग दोनों एक चैलेंज खेल रहे हैं। अफ़ान ने चैलेंज किया है फलक को कि तुम मुझे इस फ्लोटी पे से गिरा के बताओ। तो फलक बेचारी कब से ट्राई कर रही है लेकिन उससे हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली यहाँ ना फलक का पैर भी नीचे पहुँच नहीं रहा है क्योंकि वो जो एरिया है वो काफ़ी डीप है। तो ये देखिए कैसे महाराज की तरह से लेटा हुआ है अफ़ान लेकिन किसी भी हाल में गिर नहीं रहा है। अब देखते हैं कब गिरता है। यहाँ आ रहा है अफ़ान का फ्रेंड फलक की हेल्प करने के लिए। आए वहीं पे उसको गिरा दो, वहीं वहीं। तो इस तरह से गुजरता है फलक का शाम का टाइम। तो अब जो है ना मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो बस सब बच्चे आ गए थे घर और बस यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ के फलक फ्री हो जाएगी। और ज़ईम और हस्बैंड भी आ गए हैं दोनों लोग ऑफिस से। तो मगरिब पढ़ के जो है ना मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए और फलक और बच्चे सारे यहाँ बैठते हैं टीवी में। इन लोग एक गेम खेलते हैं और ये बहुत अच्छा गेम है, इससे जनरल नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होती है। गेस द इमोजी या गेस द कंट्री फ्लैग, गेस द लोगो, इस तरह से जो पॉपुलर चीज़ें हैं ना वो गेस करना होता है। तो वो इन लोग गेम खेलते हैं, हस्बैंड भी कभी कभी साथ में खेलते हैं। तो इतना हंगामा हॉल में चलता रहता है तब तक जो है मैंने अपना डिनर पूरा रेडी कर ली हूँ। और अभी जो है मैंने डिनर के लिए बनाई हूँ बटर चिकन। एक्चुअली दोपहर में सब्ज़ी थी ना, तो रात में भी अगर दोबारा से मैं सब्ज़ी रखूँगी तो किसी के हलक से उतरने वाली नहीं है। तो इसीलिए रात के लिए मैंने बटर चिकन बनाई। और अभी अफ़ान का मुँह देखिए आप। अफ़ान को चाहिए था दही चिकन और फलक ने जो है वो डिमांड करी थी बटर चिकन की। तो बड़ा ही मुश्किल रहता है कि किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि आज बटर चिकन खा लो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो दही चिकन बनेगा। अभी मैं सोच रही थी कि अब जब आरिस थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी भी डिमांड आ जाएगी कि उसको भी पता नहीं कौन सा फलाना फलाना चिकन चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना हमारा डिनर हो गया है कम्प्लीट और उसके बाद हम सब जो है इशा की नमाज़ जमात से पढ़ के फ्री हो जाते हैं। आजकल इशा की नमाज़ लेट होती है इसलिए हम लोगों का डिनर जो है ना वो पहले हो जाता है और फिर इशा की नमाज़। और फिर मैं और फलक दोनों लोग किचन में आ जाते हैं और जो सारे लेफ़्ट ओवर फूड है ना उनको छोटे छोटे बर्तन में खाली करना रहता है तो वो फलक आराम से कर लेती है। इतनी देर में जो है ज़ईम डिश वॉशर में पूरे बर्तन सेट कर देता है। ये जो एज है ना ये बहुत ही अच्छा टाइम है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। फलक से मैं कहती हूँ जब तुम पूरा खाना खाली करो ना तो स्पैचुला से लास्ट में क्लीन कर दो, इससे जो है ना फूड वेस्ट नहीं होगा, स्पैचुला से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बहुत अच्छे से जो है ना वो सीख लेती है अभी। और फिर उसके बाद ना हम आ जाते हैं ऊपर, नीचे की लाइट वगैरह सब बंद करके। रात में फलक यहाँ पे अपना टीथ ब्रश करके और लूडो लेके आ जाती है और ये हम लोगों का फैमिली टाइम होता है क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं और 9:30 बजे कोई सोता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फादर के साथ भी जो है ना बच्चों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हैं तो बस यहाँ हम लोग लूडो लेके बैठे हैं। हालांकि आरिस के साथ क्या ही लूडो खेलेंगे। एक बार कर लो। हो गया। दो बार अच्छा, बाहर निकलना है तो 6 लाना पड़ेगा आरिस। 6 यस 4 5 6 6 अब देखो एक और 6 ये देखो। ओ 6 आ रहा था तुम जो हिला दिए तू रहा खा ले सब ले ले बच गया वो वापस 6 3 हाँ, तीन से अंदर।
तो लूडो खेलने के बाद जो है ना यहाँ पे एक घंटा फलक अपने कज़िन के साथ जो है वो चैट वगैरह करती है, गेम्स खेलती है ऑनलाइन, और उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ उसका सब बंद करवाने के लिए। तो लैपटॉप मोबाइल सब जो है ना बंद करके अब सोने का टाइम हो गया है। तो ये था फलक का फुल डे रूटीन समर वेकेशन में, और इसका जो नॉर्मल स्कूल डे का रूटीन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।